हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्वेश्चन बैंक 2020-21 क्लास ट्वेल्थ की जनरल इंग्लिश से संबंधित। यानी हम पिछले वीडियो में क्लास ट्वेल्थ की जो जनरल इंग्लिश है उसके ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर चुके हैं और साथ ही उसके फर्स्ट एंसन पैसेज को भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका सेकेंड एंसन पैसेज। ठीक है, तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें, क्योंकि हम परीक्षा तक जो है इंग्लिश से संबंधित सारी जो मटेरियल है, सारा जो ग्रामर वगैरह है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक है, जो भी ब्लूप्रिंट है, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एंसन पैसेज है हमारा, फर्स्ट हम कर चुके हैं, ठीक है, जो जातक कथाओं के ऊपर था, और सेकेंड एंसन पैसेज को हम करने वाले हैं। तो देखिए, बिकॉज आवर आइज आर सो वैल्यूएबल टू अस बोथ फॉर वर्क एंड फॉर प्ले। चूँकि बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ होगा चूँकि। चूँकि हमारी जो आँखें हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती है हमारे लिए, बोथ फॉर वर्क एंड फॉर प्ले, है ना। खेलने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, और साथ में काम करने के लिए भी वैल्यूएबल है ना। हमारी आँखों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, चाहे हम कोई गेम खेलते हो, कोई खेल खेलते हो, या फिर कोई काम करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड टेक वेरी ग्रेट केयर ऑफ देम। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें उनकी विशेष देखभाल करनी चाहिए। बाई यूजिंग आवर आइज फुलिशली इट इज़ पॉसिबल टू डैमेज देम सो सीवियरली दैट दे नेवर फुली रिकवर। बाई यूजिंग आवर आइज फुलिशली, यदि हम अपनी आँखों का मूर्खतापूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो यह इट इज़ पॉसिबल, यानी संभव है कि उनको डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है बहुत ही गंभीर रूप से, दैट दे नेवर फुली रिकवर। इतना हो सकता है कि वो कभी भी रिकवर ही ना हो पाए, है ना। फॉर दिस रीज़न इट इज़ वाइज टू ऑब्जर्व अ फ्यू सिंपल रूल्स। इस कारण से यह बुद्धिमानी होगी कि हम कुछ इम्पोर्टेंट या सिंपल से जो है रूल्स हैं, साधारण से रूल्स हैं, साधारण से नियम हैं, उनको हम ऑब्जर्व करें, यानी कि देखें। स्पेशली व्हेन रीडिंग, राइटिंग और डूइंग अदर क्लोज वर्क सच एज मेकिंग मॉडल्स। खास तौर पर जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या फिर कोई क्लोज वर्क यानी कि कोई खास कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मेकिंग मॉडल्स, यानी कोई जो है नक्शा वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे कि आँखों के ऊपर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे काम करते समय हमको कुछ महत्वपूर्ण, कुछ सिंपल से रूल्स, नियमों का इस्तेमाल या उपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड ऑलवेज बी इनफ लाइट। हम जो कोई सा भी काम करते हैं वहाँ कम से कम देयर शुड ऑलवेज बी इनफ लाइट, उस कार्य को करते समय वहाँ पर पर्याप्त उजाला होना चाहिए, पर्याप्त वहाँ पर लाइट होनी चाहिए। इट शुड बी सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग एंड शुड एट द सेम टाइम बी इवनली स्प्रेड। और वहाँ इट शुड बी सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग, पर्याप्त रूप से वह जगह उज्ज्वल होनी चाहिए, एंड शुड एट द सेम टाइम बी इवनली स्प्रेड, और सेम टाइम यानी कि उसी समय उजाला भी होना चाहिए ठीक से, और वो जो उजाला है वो क्या होना चाहिए, इवेनली स्प्रेड। इवेनली स्प्रेड का अर्थ होता है मुख्य रूप से सभी जगह पर फैला हुआ उजाला होना चाहिए। इफ़ वी आर राइटिंग वी शुड बी इन सच ए पोजिशन दैट द हैंड विच होल्ड द पेन डज नॉट कास्ट ए शैडो ऑन द पेपर। यदि हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस हाथ से हम लिख रहे हैं, जिस हाथ से हमने पेन पकड़ा हुआ है, उस हाथ की शैडो यानी उसकी छाँव जो है वो पेपर पर नहीं पड़नी चाहिए। Where the letters are being formed, जहाँ पर जो अक्षर लिखे जाने वाले हैं, लिखे जा रहे हैं, उस जगह पर जिस हाथ से हमने पेन पकड़ा है उस हाथ की छाँव नहीं आनी चाहिए, यानी कि उजाला इस तरह से होना चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज़ टायरिंग अवर आइस। बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश भी अवॉइड करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा तेज प्रकाश भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आँखें टायरिंग होती, टायरिंग का अर्थ होता है थकना। Particularly when reflected from a sheet of white paper, और ख़ास तौर पर वो जो तेज फोक्स वाला उजाला होता है वो जब किसी वाइट सीट से टकराता है और वापस आता है, हमारी आँखों पर गिरता है, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे आँखों को थकाने वाला हो सकता है। When reading or writing, it is best to sit straight। जब भी आप रीडिंग करें या राइटिंग करें, यानी कि लिखें या पढ़ें, तो आप बिल्कुल कैसे बैठे होने चाहिए, स्ट्रेट यानी सीधे बैठना चाहिए, बट क्वाइट कम्फर्टेबली, लेकिन थोड़ा आराम से। एंड टू हैव द पैच अबाउट 12 इंच फ्राम द आइस, और उस पैच को आँखों से लगभग 12 इंच दूर रखना चाहिए, जिस पे आप लिखें या जिसको आप पढ़ें।
नेवर लुक डायरेक्टली एट अ वेरी ब्राइट लाइट, एकदम से किसी तेज उजाले की तरफ नहीं देखना चाहिए, जैसे कोई जो है जीप वगैरह का उजाला या किसी टॉर्च का उजाला, या एकदम से हम अंधेरे के बाद में डायरेक्ट जो है धूप में चले जाते हैं, तो वो भी गलत है, है ना। एकदम से तेज उजाले को नहीं देखना है। सच एज द सन और ए वेल्डर्स आर्क, यानी कि किस प्रकार, जैसे कि सूर्य का उजाला हम एकदम से देख लें, या फिर जो वेल्डिंग करता है, वेल्डर जो रहता है, उस वेल्डर की तरफ भी हमको क्या करना चाहिए, उसकी तरफ भी एकदम से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भी हानिकारक हो सकता है। उसकी उसके व्रत को, यानी कि सूर्य का जो आर्क होता है या वेल्डर का जो आर्क होता है, उसकी जो चिंगारी होती है, उसकी जो तेज रोशनी होती है, उसको भी नहीं देखना चाहिए। अनलेस यू हैव थिक डार्क ग्लास टू लुक थ्रू, यदि आपके पास कोई डार्क ग्लास है ना, कोई थिक डार्क ग्लास नहीं, थिक यानी मोटा, डार्क यानी कि जो घना है ना, इस प्रकार का ग्लास आपने पहना हुआ हो तो ही देखें। लाइट एज ब्राइट एज दिस कैन क्विकली डैमेज द रेटिना बियॉन्ड रिपेयर, और यदि इस प्रकार की लाइट्स को आप देखते हैं, एकदम से चमकीली लाइट को आप देखते हैं, तो यहाँ आपके रेटिना को, आपके आँखों में जो रेटिना होता है, उसको इस हद तक डैमेज कर सकता है कि उसको रिपेयर करना संभव नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों, इस पैसेज में हमने पढ़ा कि किस प्रकार आपको जो है अपनी आँखों की केयर करनी है ना। अपनी आँखें जो रहती है वो सबसे मूल्यवान होती है, सबसे कीमती होती है, क्योंकि पूरी दुनिया हम आँखों से देखते हैं, सारे कलर्स हम आँखों से देखते हैं, तो आँखों की विशेष देखभाल करनी चाहिए। इसके बारे में पैसेज है। अब हम यहाँ पर कुछ इसके जो है रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईज आर वैल्यूएबल टू अस, आंखें हमारे लिए वैल्यूएबल है, कीमती है, उपयोगी है। कब उपयोगी है? तो फॉर वर्क एंड प्ले, काम में भी और खेल में भी। बाय यूजिंग आवर आईज फुलिसली इट इज़ पॉसिबल टू, यदि हम फुलिसली मूर्खतापूर्ण अपनी आँखों को जो है यूज़ करेंगे तो डैमेज देम सीवियरली, है ना, उनको जो है सीवियरली डैमेज कर लेंगे। द वर्ड ऑब्जर्व इन द पैसेज मीन्स, वर्ड ऑब्जर्व आया है, इसका अर्थ पैसेज में क्या होता है? ऑब्जर्व का अर्थ होता है देखना या फॉलो करना, है ना। ऑब्जर्व यानी कि हमको क्या करना है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का अर्थ होता है फॉलो करना। है बस सी नहीं लिखेंगे, ओके। डी होता है व्हाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ, व्हाट एवर वर्क, जो कोई भी काम हम कर रहे हैं, देयर शुड बी इनफ, वहाँ पर पर्याप्त रूप से क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर पर्याप्त रूप से लाइट होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फाइव है ये वाला क्वेश्चन। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज़, बहुत तेज लाइट को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, टायरिंग फॉर द आईज, आँखों को थका देगा। एफ वाला है द वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल इज, यानी सिंपल जो वर्ड है उसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है, उसकी वर्ब फॉर्म होती है सिंप्लीफाई। वट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी, जो कोई भी काम हम करते हैं, है ना, वहाँ पर शुड बी क्या होना चाहिए, इनफ लाइट, पर्याप्त उजाला होना चाहिए। व्हाइल रीडिंग और राइटिंग द पैच शुड बी फ्रॉम द आईज, लिखने और पढ़ने के दौरान जो पैच होता है वो हमारी आँखों से लगभग कितने 12 इंच दूर होना चाहिए, ठीक है। आई वाला क्वेश्चन है व्हाई वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट अ वेरी ब्राइट लाइट, ये अभी क्वेश्चन का आंसर हमको ढूंढना है कि व्हाई वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट अ वेरी ब्राइट लाइट, हमें एकदम से तेज उजाले की तरफ क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारी आंखों को थका देगा, है ना। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आंसर लिखा है वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज़ टायरिंग फॉर आईज, ठीक है, बहुत तेज उजाले को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारी आँखों को थका देता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि व्हाट केयर शुड बी टेक व्हाइल रीडिंग और राइटिंग, हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उस समय हमें क्या केयर करना चाहिए, अपनी आँखों की कैसे देखभाल करनी चाहिए, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, तो व्हाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड ऑलवेज बी इनफ लाइट, हम जो कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ पर पर्याप्त उजाला होना चाहिए, यानी कि हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर पर्याप्त उजाला यदि हम रखेंगे, पर्याप्त उजाले में ही लिखेंगे पढ़ेंगे, तो हम हमारी आँखों की जो है केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, साथ में इसके क्वेश्चन भी हमने किए वो भी समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में जो है आपका आंसर पैसेज थर्ड करने वाले हैं, है ना, और उस आंसर पैसेज थर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से, जैसे मेक नोट्स समरी, है ना,
आपको दो अनसेंड पैसेज आएंगे, दो अनसेंड पैसेज के बाद में जो तीसरा आपका रहेगा, वो तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो नोट मेकिंग और समरी से संबंधित रहेगा, तो हम उसको करेंगे अगले जो है वीडियो में। और आपको यदि वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ जो है जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला जो है अनसेंड पैसेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।